The Dawn Express, Aina Sashka. हेलो दोस्तों, द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम CAA कानून के विषय में बात करने जा रहे हैं कि क्या मुस्लिम महिलाएं और बच्चे अब विपक्ष का नया हथियार हैं। दोस्तों, CAA कानून को बने एक माह से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन विपक्ष द्वारा इसका विरोध अनवरत जारी है। बल्कि गुजरते समय के साथ विपक्ष का यह विरोध की सारी सीमाओं को लांग कर हताशा और निराशा से होता हुआ अब विद्रोह का रूप इख्तियार कर चुका है। शाहीन बाग का धरना इसी बात का उदाहरण है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये दल किस हद तक जा सकते हैं, यह धरना इस बात का भी प्रमाण है। दरअसल, नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाली इस सड़क पर लगभग एक महीने से चल रहे धरने के कारण लाखों लोग परेशान हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी सड़क पर इस प्रकार से धरने पर बैठे हैं कि लोगों के लिए वहां से पैदल निकलना भी दूरभर है। रास्ता बंद होने के कारण आधे घंटे की दूरी 3-4 घंटे में तय की जा रही है, जिससे नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्यस्थल तक पहुंचने में बड़ी असुविधा हो रही है। जाहिर है, इससे गाड़ियों में ईंधन की खपत भी बढ़ गई है, जो निश्चित ही पहले से ही प्रदूषित दिल्ली की हवा में और जहर घोलेगी। जो राजनीतिक दल इस धरने को खुलकर अपना समर्थन दे रहे हैं, उन आंदोलनरत लोगों के जोश को बरकरार रखने के लिए यहाँ बारी बारी से अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं, उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि हवा का यह जहर कहीं देश की फिजाओं में भी ना घुल जाए। क्योंकि हाल ही में BJP के एक IT सेल के प्रमुख ने एक वीडियो साझा किया है, जिसमें एक युवक यह कह रहा है कि यहाँ पर महिलाओं को धरने में बैठने के लिए 500 रुपये से लेकर 700 रुपये तक दिए जा रहे हैं। यह महिलाएं शिफ्ट में काम कर रही हैं और एक निश्चित संख्या में अपनी मौजूदगी सुनिश्चित रखती हैं। इतना ही नहीं, उस युवक का यह भी कहना है कि वहाँ के दुकानों के किराए भी मकान मालिकों द्वारा माफ कर दिए गए हैं। इस वीडियो की सत्यता की जांच गंभीरता से की जानी चाहिए, क्योंकि अगर इस युवक द्वारा कही गई बातों में जरा सा भी सच्चाई है तो निश्चित ही विपक्ष की भूमिका संदेह के घेरे में है। क्योंकि सवाल तो बहुत उठ रहे हैं कि इतने दिनों तक जो लोग धरने पर बैठे हैं, उन लोगों का खर्चा कैसे चल रहा है। जो खाना पीना धरना स्थल पर उपलब्ध कराया जा रहा है, वह कहां से आ रहा है, यह जानना भी रोचक होगा। इस वीडियो के वायरल होते ही यह खबर भी आई कि सिख समुदाय ने धरना स्थल पर लंगर की व्यवस्था शुरू कर दी है। यह इत्तेफाक है या सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है, यह तो जांच का विषय है। दरअसल, विपक्ष आज बेबस है, क्योंकि उसके हाथों से चीज़ें फिसलती जा रही है। जिस तेजी और सरलता से मौजूदा सरकार इस देश के सालों पुराने उलझे हुए मुद्दों पर बात करना भी विवादों को आमंत्रित करता था, सुलझाती जा रही है। विपक्ष खुद को मुद्दा विहीन पा रहा है, और तो और वर्तमान सरकार की कूटनीति के चलते संसद में विपक्ष की राजनीति भी नहीं चल पा रही है, जिससे वो खुद अपना अस्तित्व विहीन पा रहा है। शायद इसीलिए वो अब अपनी राजनीति सड़कों पर ले आया है। खेद का विषय है कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए अभी तक विपक्ष आम आदमी और छात्रों का सहारा लेता था, लेकिन अब वो महिलाओं को मोहरा बना रहा है। जी हाँ, इस देश की मुस्लिम महिलाएं और बच्चे अब विपक्ष का नया हथियार है, क्योंकि शाहीन बाग का मोर्चा महिलाओं के हाथ में ही है। अगर शाहीन बाग का धरना वाकई में प्रायोजित है, तो इस धरने का समर्थन करने वाले हर शख्स और हर दल सवालों के घेरे में है। संविधान बचाने के नाम पर उस कानून का हिंसक विरोध, जिसे संविधान संशोधन द्वारा खुद संसद ने ही बहुमत से पारित किया है, वो क्या संविधान सम्मत है। जो लड़ाई आप संसद में हार गए हैं, उसे महिलाओं और बच्चों को मोहरा बनाकर सड़क पर लाकर जीतने की कोशिश करना किस संविधान में लिखा है।
लोकतंत्र प्रक्रिया से चुनी हुई सरकार के काम में बाधा उत्पन्न करना लोकतंत्र की किस परिभाषा में लिखा है? संसद द्वारा बनाए गए कानून का अनुपालन हर राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 245 से 255 संविधान में उल्लिखित होने के बावजूद विभिन्न राज्यों में विपक्ष की सरकारों को इसे लागू करना या फिर केरल सरकार या इसके खिलाफ न्यायालय में चले जाना क्या संविधान का सम्मान है? जो लोग महीने भर तक रास्ता रोकना अपना संवैधानिक अधिकार मानते हैं, उनका उन लोगों के संवैधानिक अधिकारों के विषय में क्या कहना है जो लोग उनके इस धरने से परेशान हो रहे हैं? अपने अधिकारों की रक्षा में दूसरों के अधिकारों का हनन करना किस संविधान में लिखा है? लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उन मुस्लिम महिलाओं से जो धरने पर बैठी हैं। आज जिस कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर, शशि थरूर जैसे नेताओं का भाषण उनमें जोश भर रहा है, उसी कांग्रेस सरकार ने साहबानों के हक में आए न्यायालय के फैसले को संसद में उलटकर साहबानों की नहीं हर मुस्लिम महिला के जीवन में अंधेरा कर दिया था। यह दुर्भाग्यजनक ही है कि वर्तमान सरकार नीतियों के कारण 3 तलाक से छुटकारा पाने वाले समुदाय की महिलाएं उस विपक्ष के साथ खड़ी हैं जो एक राजनीतिक दल के नाते आज तक उन्हें केवल वोट बैंक समझ कर उनका उपयोग करता आया है, इस्तेमाल करता आया है और आज भी कर रहा है। चूंकि 2016 के बाद अपने परिसर में विभिन्न देश विरोधी गतिविधियों के सार्वजनिक होने के चलते JNU अब बेनकाब हो चुका है और वहाँ का छात्र आंदोलन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में प्रभाव छोड़ने के बजाय खुद ही विवादों में आ जाता है। इसलिए विपक्ष ने अब महिलाओं को अपना मोहरा बनाया है, क्योंकि मोदी सरकार की नीतियों ने वोट बैंक की राजनीति पर जबरदस्त प्रहार किया है और जो थोड़ी बहुत मुस्लिम दलित का वोट बैंक बचा भी है तो उसमें कंपटीशन बहुत हो गया है, क्योंकि भाजपा को छोड़ लगभग समूचा विपक्ष ही उसे साधने में लगा है। इसलिए उसने प्रश्न विश्व इतिहास पर नजर डाली और महिला आंदोलन की कुंजी खोजी, जिसका इस्तेमाल वो सबरीमाला मंदिर के संदर्भ में भी कर चुका था। यह अब मुस्लिम महिलाओं के लिए सोचने का सब विषय है कि वो किसी दल के राजनीतिक हथियार के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहती हैं, जिसका केवल देश विरोध में उपयोग किया जाता है, या फिर देश के जागरूक नागरिक के रूप में जो देश के निर्माण में अपना योगदान देता है और जो केवल सम्मान का पात्र होता है।